हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विदान किचन। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। आप इसे स्मूदी भी कह सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेश कर देने वाला ड्रिंक है ये। तो इसे मैं बनाऊंगी वाटर नट से। तो वाटर नट को हम पहले कट कर लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, थकावट है, चिड़चिड़ाहट है या कमजोरी महसूस हो रही है, तो झट से इस ड्रिंक को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले कट कर लेती हूँ। इसे इस तरह से हम कट करेंगे, इसके सीड्स हम निकाल लेते हैं और इसको हम अलग से रखेंगे। इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका क्या यूज करना है। तो इसे मैं इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हम इसके सारे सीड्स निकाल लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे सारे सीड्स को इस तरीके से। और इसे हम कट कर लेते हैं और इसके जो छिलके हैं उसे निकाल लेते हैं। तो पहली रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर नट को अच्छे से कट कर लिया है, रफली चॉप करना है और इसे मैं डाल दूंगी ग्राइंडर जार में। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको स्वीट पसंद हो। ये ऑलरेडी थोड़ा स्वीट होता है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़े से 2 चम्मच के करीब या 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। अब इन सभी चीजों को हम थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से चर्न हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। मिल्क हमें गाढ़ा यूज करना है और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वाटर नट स्मूदी रेडी है और इसे हम ग्लास में डाल देते हैं। तो ये डिलीशियस वाटर नट स्मूदी बहुत ही टेस्टी है, यमी है। आप बच्चों को दीजिए, बिल्कुल स्पेशल तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो अब हम बनाने चलते हैं अपनी सेकेंड स्मूदी। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे बनाना स्मूदी। इसके लिए मैं एक बनाना लूंगी और इसे हम इस तरह से पील कर लेंगे। थोड़ा पका हुआ हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़े कच्चेपन में खटास होती है तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए आप जो है पका हुआ बनाना ही लें, बहुत ज्यादा भी पका नहीं, खाने लायक रहे। अब बनाना को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो मिल्क जो है आपको फुल फैट यूज करनी है और मैं इसमें जो है थोड़ा सा मलाई भी ऐड कर दूंगी। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 2 बादाम और 3 से 4 काजू के टुकड़े। इसे हम एक बार चर्न कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा चर्न हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा स्कूप वनीला आइसक्रीम का। आप चाहे तो इसमें थोड़ा चीनी ऐड कर दें या फिर आप खजूर ऐड कर दें तो वो भी काम करेगा अच्छा। पर बच्चों को वनीला आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है तो इसको एक अच्छा बेहतरीन टेक्सचर देने के लिए मैंने वनीला आइसक्रीम ऐड किया है। अब इसे भी हम चर्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्मूदी रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है और बच्चों का फेवरेट है। तो इसी तरह से आप भी बनाने स्मूदी बनाइए, बहुत ही बेहतरीन है। तो समर रिफ्रेशिंग स्मूदीज है फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ। नेक्स्ट ड्रिंक हम बना रहे हैं खरबूजे के बीज से, जिसे हमने निकाला हुआ है। तो ये खरबूजे का बीज है और इसमें थोड़े से पल्प है, तो इसी से मैं बनाऊंगी। तो इसे हम ऐड कर देते हैं।
अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से काजू और बादाम। और इन सभी को हम एक बार अच्छे तरीके से चर्न कर लेंगे, बिल्कुल एकदम पेस्ट बना लेना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हमें थोड़ा सा ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन इसलिए हम करेंगे क्योंकि खरबूजे के बीज के जो छिलके होते हैं वो बिल्कुल नहीं पिसते हैं, इसलिए आपको इसे ड्रेन करना जरूरी हो जाता है। तो इसे आप इस तरीके से ड्रेन कर लें, जो भी कुछ बड़े चंक्स होंगे वो इसी में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे हमने ड्रेन कर लिया है और ये काफी स्मूथ पेस्ट है। इस पेस्ट को हम जो है ग्लास में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी का यूज नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ऑरेंज का जूस लिया है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। ये काफी अच्छा फ्लेवर देता है इस ड्रिंक में। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से चिल्ड वाटर का यूज करेंगे, आप चाहें तो आइस क्यूब का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जबरदस्त वाटरनट सीड्स का ड्रिंक रेडी है। और ये काफी हेल्दी है और टेस्टी है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग टेस्ट मिलेगा जिससे आपको मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बनाना स्मूदी बनाया है और ये है वाटर नट स्मूदी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई हो, और अगर पसंद आया है आपको ये स्मूदीज और ड्रिंक्स, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स। और आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा मेरी इस ड्रिंक को, और समर है तो स्पेशली आप इसे एंजॉय कीजिए, बनाइए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और चैनल विदान किचन इंदौर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।